अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अजान। डॉन न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। खारजा अमूर और कौमी सलामती के खसूसी मुशीर सरताज अजीज अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान में उन्होंने मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई होगी और बहुत सी इतलात भी हम तक मौसूल हो रही हैं। अफगान हुक्मरानों से उन्होंने बातचीत की और आज मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान भी मुलाकात हुई है। कौमी सलामती के अमूर जो है वो जेर बहस आए हैं और जो हमें हम तक मुख्तलिफ जो न्यूज पहुंच रही है, इतलात पहुंच रही है विफाकी हुकूमत से मुतल्लिक भी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को रिफॉर्म करने की बात हो रही है, अलहदा से खसूसी फोर्स का कयाम भी जो है वो भी उस पर भी बातचीत हो रही है। और माजी में भी हमने देखा कि माजी की हुकूमत ने बहुत से हुकूमत के ऐवानों में अगर ये बहस हुई हो या ना हुई हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐवानों से बाहर जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे तज्जियाकार हैं, वो खसूसी फोर्स के कयाम की बात हमेशा से करते रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है और काउंटर टेररिज्म के लिए पॉलिसी की भी बात होती रही और ऐसी फोर्स के कयाम की भी बात होती रही कि ऐसी फोर्स कायम की जाए जिससे हम दहशतगर्दी से निपटा जा सके। लेकिन अब तक हम देखते हैं कि कोई ना माजी की हुकूमत ने कोई वाजे पॉलिसी बनाई, ना अभी तक हम कह सकते हैं कि डेढ़ दो महीने गुजर गए हैं कि कोई ऐसा लाहेअमल या कोई पहला कदम उठाया गया हो जिससे हमें डायरेक्शन का पता चले। यकीनन एपीसी की बात हो रही है कि एपीसी में तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों को जो है बिठाया जाएगा और किसी कोशिश की जाएगी कि किसी एक नुक्ते पर तमाम लोग जो हैं इत्तफाक करें और फिर कौम को बताया जाए कि मुल्क की डायरेक्शन क्या होगी। इन मौजूदात पर बात करते हैं और खासतौर पर कौमी सलामती के जो खसूसी मुशीर हैं सरताज अजीज साहब, उन्होंने जब अफगानिस्तान का दौरा किया तो उस दौरे में हमें हम तक जो खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून के भी जो हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। तारुफ करवा देता हूं सबसे पहले, परवेज मलिक साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा हैं, एमएनए हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज बलोच साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पर हैं, एयर वाइस मार्शल रहे हैं, दिफाई तजियाकार भी हैं, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले परवेज मलिक साहब आपकी जानिब आऊंगा, सरताज अजीज साहब ने ऐसे वक्त में दौरा किया और यकीनी तौर पर हम इंतजार भी कर रहे हैं कि चीजें आगे बढ़े, खासतौर पर टेररिज्म के हवाले से जो हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं और एपीसी भी बुलाई गई लेकिन मौखर की गई, उस तरफ भी आएंगे। इस दौरे को अगर लोगों तक पहुंचाना हो, उन्हें बताना हो कि क्या एजेंडा लेकर गए थे और क्या बता सकते हैं कि क्या नुकात थे जिन पर बात हुई और हम कुछ आगे बढ़े। देखें, आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि ये बड़ी अहम किस्म की मीटिंग और ये टूर था उनका। आप देखें, हम वहाँ से, जैसे आपने खुद कहा, यूएस की ट्रूप्स ने निकलना है वहाँ से कोई एक साल के बाद, तो हम यकीनी तौर पे हम चाहेंगे कि जी बॉर्डर्स की दोनों तरफ एक स्टेबिलिटी हो और इस टेररिज्म की लानत से हम दूर हो जाएं, ताकि इस मामले को एक बड़ा सेटल्ड किस्म का अरेंजमेंट हो जिससे एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर हो सके। आपके सामने है कि जी बहुत बुरे हालात रहे और अभी भी यकीनी तौर पे काबिले तसल्ली इंतजामात नहीं हैं, उसी तरह आपके सामने अटैक्स हो रहे हैं, उसी तरह बहुत सारे ड्रोन अटैक्स भी हो जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारी शहर के अंदर भी सेटल्ड एरियाज में भी जाकर एक असॉल्ट हुए हैं और जिसकी वजह से बहुत सी जानों का नुकसान हुआ, स्टेबिलिटी आई। बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अब जो आज की गवर्नमेंट है और खास तौर पे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, वो इसको बहुत सीरियसली लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक सिक्योरिटी पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं उसमें तमाम एंगल्स को कवर किया जाएगा। सरताज अजीज साहब ने जो एक्सटर्नल फ्रंट की बात है, जो फॉरेन अफेयर्स की बात है उस पर और डिप्लोमेटिक कनेक्शन की बात है उस पर उन्होंने पेशरफ डेफिनेटली हुई है, अंडरस्टैंडिंग डेवेलप हुई है, प्रेसिडेंट करजई को दावत भी दी गई है, तो ये जो हमारे इश्यूज टू फॉलो हैं उनकी भी बात हुई है और आज की जो वाकयात हैं उनके मुताबिक भी बात हुई है। और यकीनी तौर पे आप तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी के बगैर एक सक्सेसफुल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बना सकते। आपके सामने बहुत टाइम लग रहा है, इसमें बहुत इंटेंसिव डिस्कशंस हो रही हैं, काउंटर टेररिज्म एजेंसी की आपने बात की, उसकी रीलोकेशन की भी बात है कि पहले वो कहीं और रिलोकेटेड थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आ चुकी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को की इकट्ठा करने की शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ बड़ी तवज्जो दी जा रही है, ट्रूप्स की ट्रेनिंग की तरफ बहुत बात की जा रही है और सबसे ज्यादा
सूबों को आगे रखा जा रहा है कि ये सूबाई मामलात हैं, सूबे आगे रहें और मरकज इनको पूरी सपोर्ट करे, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, इंटेलिजेंस सपोर्ट हो, ह्यूमन सपोर्ट हो, जिस किस्म की सपोर्ट हो, जो एक आईनी किरदार है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, उनको मलूज खातर रखते हुए इनको सपोर्ट कर दिए जाएंगे। और इसी तरह ये जो मीटिंग्स आपने जिक्र किया कि जी आर्मी टॉप ब्रास से जो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर की और दीगर लोगों की होती है, तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी एक्सपीरियंस और उनकी इंटेलिजेंस और बाकी जो चीजें हैं उससे भी हमारी जो पॉलिसी जो हम बनाने जा रहे हैं उसको बहुत मदद मिलेगी। आपके सामने इमरान खान साहब के बाहर जाने की वजह से थोड़ी डिले हो गई और उसमें मजीद होमवर्क कर लिया गया। हमें बाहर से जो हमारे वफूद आए ममालिक से, ब्रिटेन से आए, उनसे आए, उनसे भी हमने टेक्नोलॉजी की और खास तौर पे इंटेलिजेंस की गेजिंग के लिए, उसके लिए हमने बहुत सारी बातें की और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी ट्रूप्स की ट्रेनिंग के लिए, दीगर मामलात के लिए बहुत सारी एक्सटर्नल हेल्प भी हमें मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी। मगर मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आइंदा चंद दिनों में एपीसी के थ्रू फुली सपोर्टेड बाय द इंटायर प्रोबेबली पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एक इंशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग कोहेसिव और इफेक्टिव किस्म की पॉलिसी। परवेज मलिक साहब, जिस तरह से आपने एपीसी की बात की और इमरान खान के जाने की बात की, तो इसमें तो हम ये देखते हैं कि आपका मुस्लिम लीग नून का मौकफ कुछ और है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब बात करते हैं तो वो कुछ और कहते हैं। और इमरान खान ने भी ये कहा था कि उन्होंने दो लोगों को इस पर्पज के लिए एलोकेट किया था, उन्हें कहा था कि वो शिरकत करेंगे अगर इस तरह से है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जिस तरह का एपीसी के लिए जो लाए अमल बनाया गया था, तो इस तरह की बात है। तमाम जब भी बात हो रही होती है मुस्लिम लीग नून से तो वो ब्लेम जो है इमरान खान को दे रहे होते हैं, ये शायद ठीक नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। हम इमरान खान साहब को ब्लेम नहीं दे रहे, उन्होंने जब असेंबली में ओथ लिया सबसे पहले आगे उन्होंने यही बातें की कि वो आप एक एज ए पाकिस्तानी वो अपना रोल अदा करना चाहते हैं, उनकी ये पहली प्रेफरेंस है। और हम भी समझते हैं कि वो इमरान खान साहब एक पाकिस्तान के सेकंड बिगेस्ट पार्टी के रहबर हैं और बहुत तजर्बेकार हैं और बहुत समझदार हैं, तो हम भी यही चाहते हैं एक मौका तो दें, एक मौका दें कि हम उनसे बैठ के बात करें। मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह हमारी पॉलिसी से एग्री करेंगे। ना हुई परवेज मलिक साहब, इमरान खान का कंसर्न यह भी था, बल्कि नाज बलोच साहबा की जानिब आऊंगा, यह भी कंसर्न था कि सिर्फ एपीसी ना बुला ली जाए, क्योंकि माजी में भी हमने देखा गिलानी साहब ने भी एपीसी बुलाई और उसके बाद उसके कुछ रिजल्ट्स नहीं आए। और इसका जवाब जी कि मैसिव तैयारी से जो भी जिन पार्टीज ने शमूलियत इख्तियार करनी है किसी रिजल्ट पर फिर पहुंचा जाए, ना कि सिर्फ एक जगह पर इकट्ठे हो जाए और उसके बाद जो है जी ये माजी की एपीसी से बहुत फर्क एपीसी है। हमने एक तो इशू बहुत सीरियस और फोकस्ड है, वन पॉइंट एजेंडा है। दूसरा ये बात है कि ये मुस्लिम लीग नवाज हमेशा सीरियस होती है अपने काम में, उन्होंने ऐसे नहीं करना कि इट्स फॉर अ सेक एन एपीसी, इट इज फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग ए रेजोल्यूशन आउट ऑफ इट। हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा रास्ता एपीसी की जानिब पे आना था, चूंकि पहले कोई डिफरेंस हो तो हमारी जिम्मेवारी है, वी आर इन द गवर्नमेंट, कि हमने इसको लीड करना है, तो इंशाल्लाह हम एक ऐसी पॉलिसी के साथ इस कौम को लेकर चलेंगे जिससे इंशाल्लाह ये मैनेस। नाज बलोच साहब, आपकी जानिब आऊंगा, सरताज अजीज साहब का जो दौरा है इस वक्त, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप भी केपी में इस वक्त इकतदार में है, जिस तरह से करजाई साहब की भी बात की और करजाई साहब को भी दावत दी, करजाई साहब का तो हम ये देखते हैं कि माजी में पिछले 8-7 सालों में वो हर हफ्ते हर महीने अपने आप को बदलते रहते हैं, कभी वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दोस्त बन जाते हैं और कभी ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, तो हमें करजाई साहब पर भी यकीन करना चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज पाकिस्तान को जो खतरात लाहक हैं उसकी बुनियादी वजह हम देखें तो ये अफगान वॉर और इनकी वजह से जो पाकिस्तान को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया अपने पर्पस के लिए, जिस तरीके से नेटो सप्लाई के लिए एक्सेस सबसे ज़्यादा इजी वे आउट पाकिस्तान का रूट था, जिसके थ्रू नेटो सप्लाई जो है वो अगर जो जा रही थी उसमें सबसे ज़्यादा दिस वॉज द मोस्ट ईजिएस्ट वे आउट फॉर द अमेरिकन्स, अपने बेनिफिट के तहत उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। अब जिस सूरत हाल में हम ऑलरेडी मौजूद हैं, मैं समझती हूँ जहाँ पहले एपीसी की बात हो रही है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे लीडर ने ऑलरेडी अपने रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदों को इस चीज के लिए कंफर्म कर दिया था कि वो बिल्कुल यकीनी बनाया था कि वो एपीसी में शिरकत करेंगे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब उसके खुद पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान का खुद होना वहां पर मौजूद होना बहुत जरूरी था। देखिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो नेशन वाइड जो हमारी एक सिक्योरिटी फॉर्मूला जो जिसके खान साहब ने ख्वाहिश जाहिर की थी, आते ही सबसे पहले उन्होंने वॉइस रेज की कि एक नेशन वाइड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस किस्म की एक पॉलिसी बना दी जाए जिसको हम जो डिफाइंड हो, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले खान साहब ने बात की। फिर आपने देखा कि खान साहब चूंकि ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, उनकी हेल्थ कंडीशन उनको इजाजत नहीं दे रही थी कि वो अपनी ट्रीटमेंट को मजीद प्रोलॉन्ग करें, इसके तहत उनको जाना पड़ा और वो लास्ट मोमेंट पे जिस दिन जा रहे थे तो उस दिन पता चला कि एपीसी जो है वो बुला ली गई है। तो खान साहब ने पहले रिक्वेस्ट ये की थी कि एपीसी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और खान साहब बैठकर इसके ऊपर, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है, इसमें 250 अफराद को बुला के बिठा के फिर वो इंटरनल सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स होते हैं वो बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से डिस्कशंस चल रहे थे, जो अब भी खान साहब इस मौके पे बरकरार हैं और वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले। बाकी बात दूसरी ये रही, हम ये भी जानते हैं देखिए पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंटरनल जो एक्सटर्नल हमें खतरात लाहक हैं वो तो हैं, लेकिन आज जो इंटरनल सिचुएशन है हमारी वो भी तो कुछ अच्छी नहीं है, वो डे टू डे डिटेरियोरेट कर रही है और बद से बदतर होती चली जा रही है। तो हमारे इतने सारे मल्टीपल इशूज हैं ये सरताज अजीज से मुतालिक, क्योंकि सवाल था और हमने पहले एपीसी पर भी यकीनन कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर मियां नवाज शरीफ और चीफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात और जिस तरह से यहाँ पर बात हुई कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की भी हमने बात करनी थी, शहजाद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं और फिर वही हमारी वो जो रिवायत है मुस्लिम लीग नून और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एपीसी की तरफ ही चले गए हम। नहीं देखिए मैं वही कह रही हूँ ना कि एपीसी से पहले भी बहुत सारी जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो शहजाद चौधरी साहब की जानिब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर अगर कोई खसूसी फोर्स कायम करनी है और नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की भी यहां पर बात हो रही है तो उनके जहन में खाका क्या है और किस तरह से लोगों को यहां पर हुक्मरान तबके को आगे बढ़ना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। अच्छा, एक तरफ तो जब हम यहां पर बात कर रहे हैं सरताज अजीज साहब ने अफगानिस्तान का दौरा किया और उस दौरे में जो वहां के रहनुमाओं से मुलाकात हुई और जो बातचीत हुई कुछ नुकात तो हमारे सामने आए, वहां पर यह भी बात हुई कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान के लिए किसी किस्म की मदद चाहिए तो पाकिस्तान मदद करने के लिए तैयार है, तो हम अफगानिस्तान में इस वक्त किस तरह की मदद दे सकते हैं? देखिए चार फरीक हैं जो कोर फरीक जिनको कहा जाता है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के जो पिछले 12 साल में इसमें शामिल है, अमेरिका है, तालिबान है, अफगान हुकूमत खुद है और पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान के कुछ इलाके इसमें असर उन पे असर आया और उसके बाद ये कि पाकिस्तान का एक रोल था अमेरिका के अंदर जाने में अफगानिस्तान के और फिर तालिबान अब बाहर जाने में भी रोल होगा, तो इसलिए ये चार फरीक हैं। इन चार फरीकों में से तालिबान ने दोहा में अपना दफ्तर बना लिया, पाकिस्तान ने कुछ उनको कन्विंस किया और ये बावर कराया कि बातचीत की इस जंग का खात्मा हो सकती है, बेहतर तरीका है कि इस पर इन्वॉल्व हुआ जाए। वहां से दूसरी तरफ के जो दो फरीक हैं, अमेरिका उसमें बहुत लेट अपने आप को इस चीज पे आमादा कर पाया कि वो बातचीत के लिए कुछ अपना जहन बनाए और जब आया तो फिर वो उस तरीके से बातचीत को कंटिन्यू नहीं कर सका जो कि दोहा ऑफिस के फेलियर से इंडिकेट होती है। दूसरा अफगानिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं जहां पर एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए था पॉलिसी के ऊपर, तालिबान के साथ अपना मामला तय करने के ऊपर, वो नहीं हो पाया और फिर उसके बजाय उसके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अपने दरमियान मुखासमत शुरू हो गई। तो इन चार फरीकों में ये अब आपको इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा साफ नजर आता है कि पाकिस्तान जिस हद तक असर रखता है उन तालिबान लोगों के ऊपर, फैक्शंस के ऊपर जो पाकिस्तान की सरहदों में है, उनको ये कन्विंस किया जाए कि वो बातचीत का अमल का हिस्सा बने और मेरा ख्याल है बड़ी हद तक पाकिस्तान ने अपना जो रोल है बड़ी बखूबी निभाया है। अब ये है कि पाकिस्तान शहजाद चौधरी साहब सरहद के इस पार यानी पाकिस्तान में जो तालिबान है आप उनकी बात कर रहे हैं? जी जी जाहिर है। यहां तो जो बातचीत का सिलसिला रहा और पाकिस्तानी तालिबान की जब बात करते हैं तो जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है हम उसको नहीं रोक सके? नहीं नहीं, पाकिस्तानी तालिबान की बात नहीं कर रहा मैं, उन अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ जिनका पाकिस्तान जिनका इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है,
हाँ, क्योंकि हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं ना, सरताजी साहब अफगानिस्तान गए थे तो आपका सवाल उसके मुतालिक था कि वहां पे जो बातचीत हुई है वहां पर पाकिस्तानी तालिबान के बारे में तो बात नहीं करेंगे, वहां पर तो अफगान तालिबान के बारे में बात होगी ना। अगर आप पाकिस्तान तालिबान के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मसाइल है, उसका एक रिलेशनशिप उस जंग से जरूर है जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, क्योंकि उसने एक ऐसी हवा दी है इन तमाम मामलात को जिसके अंदर पाकिस्तान भी घिर गया। उसके अंदर फिर वो उन तमाम पॉलिसीज का जिक्र जो कि अभी आपने शुरू में जिनका इशारा दिया, उसमें नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, उसके अंदर एक एंटी टेररिस्ट फोर्स है, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, एक पोलिटिकल कंसेंसस है, ये तमाम उसके वो बाकी एरिया इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इंटेलिजेंस अदारों का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तहत नीचे आना और एक इस तरह का शेयरिंग का तरीका बनाना कि उसमें एक बाहम तस्वीर उभर सके हमारे खिलाफ जो थ्रेट्स हैं, इंटरनल थ्रेट्स हैं उनकी, ये तमाम उसका हिस्सा है। इसलिए ये जो अभी आपने पहले भी जिस पहले हिस्से में जिक्र किया, ये तमाम जो इशारे हैं जो कि इस वक्त हुकूमत कर रही है बहुत पॉजिटिव हैं। ये चीजें होनी चाहिए थी आज से 5 साल पहले, बल्कि 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी और इसके बारे में बहुत शोर हुआ। अच्छा, ये सियासी जमातों के, शहजाद चौधरी साहब आपसे ही पूछ लेता हूं, ये इनके कंसेंसस से होगा या गवर्नमेंट खुद ही, आपको लगता है कि खुद ही डिसाइड करेगी? देखिए, बड़ा साफ है कि एक एग्जेक्टिव मौजूद है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में है। एग्जेक्टिव को मैंडेट मिला है लोगों की तरफ से ये तमाम पॉलिसीज वजह करने का, वो पॉलिसीज वजह करेंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि एग्जेक्टिव ये समझता है कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी तो है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर बाकी तमाम अदारों को और बाकी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड ले लूं तो उसमें पॉलिटिकल जो कंसेंसस होता है, पॉलिटिकल विल के अंदर एक री एनफोर्समेंट हो जाती है और सबको यह समझ आ जाती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस तरफ इस चीज पे यकजा हैं और एक हैं। अच्छा, ये तो उनकी एक पॉलिटिकल सोच हो सकती है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिर्फ एक दिन कुछ लोगों को जमा करने के साथ इस किस्म की 3 या 4 या 5 घंटे की एक नशिस्त में इतनी गहरी पॉलिसीज तश्कील नहीं दी जा सकती। होगा ये कि जिस तरीके से हुकूमत ने अभी पॉलिसीज की तश्कील की तरफ काम शुरू किया हुआ है और ये तमाम इशारे जिनका आपने जिक्र किया सामने आना शुरू हो गए हैं, बड़ी खुशायंद बात है कि ये पॉलिसी लेके अब हुकूमत जाएगी उस एपीसी के अंदर और उनके सामने जाके रखेगी पॉलिसी इस सारे होमवर्क के बाद कि हम इन लाइंस पे अपने मामलात को आगे लेके चलना चाहते हैं दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में। मेरा ख्याल है कि एक बड़ा पॉजिटिव तरीका है, यही तरीका है कि उन 3, 4, 6 घंटों में उनको ब्रीफिंग दी जाए, उनके मामले उनकी बातें सुनी जाए, कोई जो थोड़ा बहुत उसको ट्वीक करने की जरूरत हो उसको ट्वीक किया जाए और उसके बाद उस पॉलिसी को फिर बिल्कुल इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये एक बेहतर तरीका नजर आता है और मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है। स्लो है, स्लो हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है और इसी तरीके से काम को आगे चलना चाहिए था। फैज मलिक साहब, आपकी जानिब आऊंगा। नाज साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, जो मुज़ाकरात की बात हो रही है ये अगर हमें याद रहे, क्योंकि आवाम की मेमोरी जो है वो काफी मेरे ख्याल अच्छी है, वी डोंट हैव अ फिश मेमोरी, याद हमें रखना चाहिए कि खान साहब ने सबसे पहले मुज़ाकरात की बात जो बात खान साहब ने की थी कि ये डायलॉग्स और टेबल टॉकिंग, यू कैन नॉट एंड अप अ वॉर विद अनदर वॉर, जिस वॉर के अंदर हम स्टेट ऑफ वॉर के अंदर धकेला गया हमें, उसके तहत हमारे पास कोई नतीजे नहीं निकलने थे खातिर ख्वाह। जो बात खान साहब ने हमेशा कहा कि थ्रू डायलॉग्स, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है और इस तरह की जो खाना जंगी अंदर पैदा हो रही है, जिस सूरत हाल के अंदर हम फंस गए, जिसकी वजह से इंटरनल वॉर की सिचुएशन जो डेवलप हो चुकी है, जिसके कॉन्सिक्वेंस हमें बेयर करने पड़े, उससे हम निकल सकते हैं अगर मुज़ाकरात किए जा सके। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर मुज़ाकरात के जरिए आज अमेरिका को यह बात समझ आ चुकी है और आज दोहा में जो हेडक्वार्टर बनाया है तालिबान का और वहां पे वो मुज़ाकरात की बात करें तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ये वो चीजें जो फौर्सी खान साहब ने बहुत पहले की थी और अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये गवर्नमेंट, बिकॉज ये होना गवर्नमेंट की ही ईमा पर है। देखिए, पिछली हुकूमत की नाकामियां थी, ये बैड गवर्नेंस इंटरनल या एक्सटर्नल तमाम इश्यूज के ऊपर पिछली गवर्नमेंट का विल नहीं था। ये चीजें तब हल होंगी जब हमारे पास पॉलिटिकल विल होगी, हमारे पास नियत होगी करने की। अगर हम कौम से झूठ बोलते रहेंगे कि जनाब ये ड्रोन तो पता नहीं कहां से आके बरस के जा रहे हैं, हमें पता नहीं है, जबकि स्टेट ऑफ हमारी स्टेट मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन के बाद जो है एक एक ड्रोन जो है वो बरसाया जा रहा था। आप भी रहे, मुस्लिम लीग नून भी रही, हम भी रहे, नून भी रही, लेकिन अब इनके पास हुकूमत है, माजी की हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। प्राइम मिनिस्टर
हाउस के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, विकी लीक्स में साबित होकर तमाम चीजें सामने ओपन होके आ गई, तो टुडे नथिंग इज हिडन, एवरीथिंग इज देयर। तो अब मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, वी मस्ट सेट अ ट्रेंड। हमें मैं समझती हूँ यह हुकूमत की, जस्ट एड वन थिंग, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर हुकूमत इम्प्लीमेंट करना चाह रही है इन चीजों पर, तो हम बिल्कुल इन चीजों पर साथ साथ आगे आगे होंगे। जहां मुल्क और कौम का फायदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल आगे रहेगी। जी सर, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि देखिए, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है कि किसने क्या कहा, किसने किस वक्त कहा। ये बहुत सारे लोग बाहर बैठे कहते भी रहे, लिखते भी रहे, और हम सब इस चीज के गवाह हैं और हम इसका हिस्सा हैं। तो इसलिए कोई एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक हिस्सा, ये सब नहीं, ये दुनिया का एक तरीका है, ये तारीख है, जंग की तारीख है। इसलिए ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि इसी तरीके से जंगें खत्म होती हैं, सिवाय एक आध एग्जाम्पल के, जिसके मामला जो 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 उसके कॉन्टेक्स्ट था वो टोटली डिफरेंट था। बाहर आगे से हटके दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स नॉट डिक्लेयर अ विक्ट्री अगेंस्ट ड्रोन्स। शहजाद चौधरी साहब ब्रेक ले लेते हैं, शहजाद साहब एक मिनट, मुझे थोड़ा सा भी जाना होगा इसलिए मैं आपसे, तो क्विकली मैं कहना चाहता हूँ कि लेट्स नॉट डिक्लेयर, क्योंकि अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ड्रोन्स की मेरी पॉलिसी वही है जो कि अभी तक हुकूमतों की रही है। मेरे ख्याल में बजाय ड्रोन्स के ऊपर वक्त जाया करने के, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को ये चाहिए कि इस जंग को खत्म करने का और इस जंग को लड़ने का कोई बेहतर सहूलत और बेहतर तरीका पैदा करें। जिस तरीके से मामला तय होना शुरू हुए हैं, यही तरीका है इसको हल करने का। अगर जंग बंद हो जाएगी तो ड्रोन्स की वजह बंद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद परवेज मलिक साहब आपकी जानिब आऊंगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, परवेज मलिक साहब आपकी जानिब आऊंगा। यहां पर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात जिस तरह से माजी में भी होती रही और अब भी हो रही है, तो ये भी अब हम एपीसी का इंतजार करें, और चूंकि लोगों को यह बताया गया कि तमाम जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स और कंसेंसस से ही ये पॉलिसी बननी चाहिए। हालांकि लोगों ने वजीर आजम जब चुन लिया है, मियां नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है, तो आप लोग ही नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना सकते हैं, या आप समझते हैं कि रिजवान भाई पहले तो दूर होने का नुकसान है कि आप मुझे भूल ही जाते हैं कि शायद मैं भी प्रोग्राम में हूं या नहीं हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी बहुत सारी बातें हुई यहाँ। देखिए, ये प्रॉब्लम जो है ये कोई अभी की नहीं है, इसके कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है और ये बड़ी डीप डाउन इंक्रोच कर गई है इनटू द सोसाइटी। सबसे पहले तो इसमें विल चाहिए कि आप इसको ठीक करना चाहते हैं या ना करना चाहते। मैं समझता हूं कि पिछली गवर्नमेंट के जो लैकिंग चीज थी वो ये थी कि उनकी विल नहीं थी, दे नेवर वांटेड कि ये एक अच्छी सिक्योरिटी के साथ ये मामलात को हो, वो सारा अपनी उनकी अपनी प्रायोरिटी सी उसी में लगे रहे। अब देखें, अभी बात हो रही थी कि डायलॉग किसी ने सजेस्ट किया है। देखें, मैं आज भी कहता हूं और ये एक चीज बिल्कुल मुसम्मम है कि जी एक लाइन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन से तो ये काम नहीं होगा, इट्स अ मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म मेजर्स चाहिए, आपको कैरेट चाहिए, आपको स्टिक चाहिए, आपको नेगोशिएशन चाहिए, आपको हर चीज चाहिए। और अब आपकी सवाल की तरफ आता हूं, हमने अपना काम रोका नहीं हुआ, आज आपकी फोर्सेज अलर्ट हैं, आज हम आपके स्काउट्स अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आज आपकी दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। हम अब कौम को, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स को एतमाद में लेना चाहते हैं कि हम अब इस ऑफेंसिव की तरफ जा रहे हैं, ये एक नई पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, हमें आप बराए मेहरबानी रहनुमाई करें, हमारे साथ आएं, नहीं आते तो हमारी रहनुमाई करें हम, ताकि एक फैसला करने में हमें आपकी आपकी राय की भी कदर हो और हम इसको लेकर आगे चलें। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इंशाल्लाह ये लंबी बात नहीं है, ये चंद दिनों की बात है। हम यही चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो टॉप लीडर हैं ऑपोजिशन में, जो टॉप लीडर हैं, उनको खुद इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये सेकंड लाइन डिफेंस वाला काम नहीं है, ये डेफिनेटली टॉप प्रायोरिटी वाला अपने मुल्क के लिए काम है। हम जैसे मेरे शहजाद साहब ने कहा कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम उसे शाई नहीं करेंगे, हम इसको इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे। बट हम एक एफर्ट कर रहे हैं कि जी हम उससे पहले ये जो लोग जो एक बहुत दाना लोग हैं, जो बहुत स्टेक होल्डर हैं इसमें, जो एक बहुत पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड कर सकते हैं, वो हमें अपनी ओपिनियन से शेयर करें, ताकि हम एक कोहेसिव और बड़ी मजबूत पॉलिसी करेंगे। हम इसमें हम नेगोशिएशन एक इसका एक पार्ट होगा कि हमने किससे नेगोशिएशन करनी है, कैसे करनी है,
कौन हमारी इसमें मदद करेगा और किस तरह इसको इफेक्टिवली करेंगे। मगर आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि ये मैटर सीरियस हम ले रहे हैं। हमने नहीं परवाह की कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब उनके पास गए, चीफ मिनिस्टर के पास, हमने नहीं देखा गवर्नर सिंध किस पार्टी से है। हम बिला तफरीक होकर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब गवर्नर सिंध को मिले, उन्होंने ये बातें की, उनको ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की और इंशाल्लाह आप देखेंगे कौम के सामने चंद दिनों में एक अच्छी पॉलिसी आएगी जिसके नतायज मुस्बित हो गए। कैसे एक स्टेट को चेंज कर सकते हैं, कैसे ये फोर्सेस एक स्टेट से ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं, ये तभी हो सकती हैं अगर स्टेट सिंसियर ना हो। जब सिंसियरिटी ऑफ स्टेट आ जाएगी तो इंशाल्लाह ये तमाम फोर्सेस खुद बखुद। परवेज मलिक साहब, यकीन तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि पिछले पांच साल जो थे, अगर गवर्नमेंट, हम यहां पर यह कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर सीरियस होगी भी तो वो सीरियसनेस नजर नहीं आई यकीनी तौर पर। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों के बाद पॉलिसीज जो हैं वो नजर आएंगी और कौम को डायरेक्शन नजर आएगी, तो हम एपीसी से पहले तवक्को लगाएं या एपीसी के बाद ही कुछ हमें चीजें नजर आएंगी? देखिए हमने 90 दिन का एक टाइम ऐसे एस्टिमेट दिया हुआ है कि 90 दिन में चीजें महसूस होने लग पड़ेंगी कि इनके डायरेक्शंस पॉजिटिव हो गए हैं, इनका फायदा हो रहा है, कौम उसको सराहेगी, कौम उसको अप्रिशिएट करेगी। तो आप कम से कम हमें 90 दिन की एक मोहलत दे दीजिए, हम इंशाल्लाह इसमें आपको रिजल्ट मुख्तसर एक बगैर, जैसे मैंने पहले कहा आपके सामने, आज भी एक ट्रक एमिनेशन का पकड़ा गया है कराची में, इस तरह और लोग कल लोग पकड़े गए थे। तो ये चीजें एफर्ट, हमारी एफर्ट करने से ही हो रही हैं। अच्छा, अगर हम मेजर ब्रेक थ्रू करेंगे जब मेजर ऑफेंसिव। मलिक साहब मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, फिर नाज साहिबा की जानिब जाऊंगा कि कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि पॉलिसी साजी में फौज को कुछ रोल दिया जा रहा है, रोल उसका बढ़ाया जा रहा है, कुछ इस तरह से है? देखिए फौज का एक रोल आइन आइन में मुतय्यन है और फौज का काम है कि डिफेंस सिक्योरिटी मामलात को देखे, तो हम उनसे उस शोबे में जरूर काम लेंगे। उनकी एक ड्यूटी है, आज भी वो जंग को फेस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनकी वो ड्यूटी जरूर लेंगे। मगर हम फौज को एक उसी अंदाज में जिसमें हमारे आयन में जो मुतय्यन है हम वही रखेंगे। हम ना खुद किसी को क्रॉसओवर करेंगे बाउंड्री को, ना किसी को कहेंगे कि वो हमारी क्रॉसओवर करके किसी और काम में हो। जो उनका प्रोफेशनल काम है, जो उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, हम उससे पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। ठीक, ना साहबा आपकी जानिब। जी देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल विल की बात है तो ये इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब तक हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं होगी हमारा इंटरेस्ट कुछ और होगा। क्योंकि पिछली हुकूमत की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ बहस बराए बहस, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं है, ये हकीकत है कि पिछले पांच सालों में हमने ये देखा कि हुकूमत की जो दिलचस्पी थी, जो इंटरेस्ट था, वो कुछ और था। क्योंकि उसी दौरान आपने देखा कि एनर्जी क्राइसिस कहां से कहां चला गया, हमारे जो है जितना प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ट हो गया, ग्रोथ रेट हमारी कहां से कहां पहुंच गई, खत्म हो गई बिल्कुल, और इसके अलावा इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, ये तमाम चीजें, और फिर कर्जों के तहत के बोझ में हम दब गए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप फिर बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी मुल्क बन के रह गए जो कि सिर्फ आईएमएफ के कर्जों तले, बोझ तले अमेरिका के दब के रह गए थे। तो लिहाजा, और फिर ऊपर से कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि स्विस अकाउंट्स और मुख्तलिफ बहुत सारी, आपको पता है, दैट्स अनदर डिबेट, टाइम कम है आपके पास। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें इंटरेस्ट और दिलचस्पी के साथ मुल्क के वसीतर मफाद में और बिल्कुल बैठकर सीरियसनेस के साथ इसमें अपनी शो करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। इस वक्त जो सिंध की बात हुई कि कराची में जो आर्म्स का ट्रक पकड़ा गया, मैं कहती हूं ये सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी तरीके से हमें जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, एक चेक सिस्टम नहीं होगा, हमारे पास अमन अमान को हम यकीनी नहीं बना सकते। इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें आप देख लें कि चारों सूबों में अलग नौइयत की इस वक्त जो है वो वायलेंस का जो नौइयत है वो डिफरेंट है। अगर आप बलूचिस्तान को कंपेयर करते हैं फ्रॉम केपी के, टोटली डिफरेंट। अगर आप कराची में आ जाते हैं तो वायलेंस का जो तरीकेकार है वो टोटली डिफरेंट है। और इन सब के ऊपर एक मुश्तरक का पॉलिसी बनाकर इन सब के ऊपर चेक रखना, वफाक पॉलिसी किस तरह से बनेगी। देखिए, और जिस तरह से आपने खुद कहा कि जब हम चारों सूबों के मसाइल पंजाब को छोड़ के, लेकिन उसके अंदर जो आपकी गवर्नेंस है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका चेक एंड बैलेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास डीपोलिटिसाइज इदारों को करना बहुत अहम है। फेडरल गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर क्या बनता है? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर इस मौजू पर बात करते हैं। वेलकम बैक। परवेज मलिक साहब आपकी जानिब आऊंगा।
कराची की तरफ आ जाते हैं, चौधरी निसार साहब की भी आपने बात की कि वो कराची में आए, लेकिन सिर्फ आने से मसला हल नहीं होगा। हम ये देख रहे हैं कि कराची की सूरत हाल जो है मुसलसल खराब तर ही है और आपके इक्तदार में आने के बाद भी खराब ही हुई है, तो कराची के बारे में आपके जहन में कुछ लाहे अमल है कि कराची के हालात कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, इसमें हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो हमारी नहीं हो सकती, फेडरल गवर्नमेंट की नहीं हो सकती, इसीलिए चौधरी निसार साहब खुद गए हैं और इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने दो लोगों को भेजा, दो मेंबर डेलीगेशन दिया ओनली ऑन वन पॉइंट कि पूछे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि हम फेडरल गवर्नमेंट क्या मदद कर सकती हैं इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और चौधरी निसार साहब भी एक तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वहां समझने के लिए कि जी क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरह वो इश्यूज हैं और किस तरह ये पोलराइज्ड है, सारा सेगमेंट जो है सोसाइटी का पोलराइज्ड है, किस तरह फोकस्ड है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, पुलिस की क्या कॉम्पिटेंस है इस वक्त, पुलिस की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, तो ये चीजें डिस्कस करने के लिए गए हैं ताकि एक ओवरऑल जो टेरर पॉलिसी है उसमें इनको इनकम्पस किया जाए और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो वो दी जाए, अदरवाइज फंक्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, वी डोंट वांट टू इंटरफेयर इनटू देयर यकीन है। प्रवेश मलिक साहब, अमन अवान की जब बात करते हैं तो सूबाई मामला है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पर है, की इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरत होती है। हम तो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की है, फेडरल गवर्नमेंट की फोर्सेज की है, फेडरल गवर्नमेंट की जो कोस्ट गार्ड है, फेडरल गवर्नमेंट के एफसीज हैं, ये सारों की जो है ये हम इनकी मदद उनके करने के लिए गए हैं, उनसे डिस्कस करने गए हैं, उनकी इंटेलिजेंस के साथ अपनी इंटेलिजेंस को कोलैबोरेट करने के लिए गए हैं, उनको गाइड करने के लिए गए हैं, जो हमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो उनके जो एक्सपीरियंस है उनको हम नोट करने गए हैं, तो ये कंटिन्यूअसली लर्निंग एंड हेल्पिंग ईच अदर वाली सिचुएशन में मैं समझता हूँ। नाज बलोच साहब की जाने कहूंगा, जिस तरह से आपने कहा था कि तीनों सूबों में हम देखते हैं कि फैक्टर्स मुख्तलिफ हैं और यहाँ पर जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन हमें बॉम्ब ब्लास्ट नहीं रोकने, सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं रोकने, यहाँ पर तो अंदरूनी कराची में आप ये तो नहीं बता सकते कि खुदा ना खास्ता कोई वाकया है, वारदात होने वाली है, उसकी ट्रेसेस, उसके तौर तरीके, उसकी तमाम बिल्कुल पता लग जाता है जी कि कौन लोग पिछले हुकूमत में तो सिंध में यही इत्तलात मिलती थी कि जनाब सिंध में भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, वफाक में भी इनकी थी, लेकिन नाअहली की आप इंतहा देखें कि सिंध में जो लेवल की चीजें होती थी, रहमान मलिक साहब को ये तो पता चल जाता था कि वाकया होने वाला, ये नहीं पता चलता था कि वाकया कहाँ से होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। देखिए, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जब तक फेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर नहीं चलेगी तब तक सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ सकती। और एक और मैं बात आपको बताती चलूं जो बहुत अहम है, हमें अपनी एक्सटर्नल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए इंटरनली ताकतवर बनना पड़ेगा और हम इंटरनली ताकतवर तब बनेंगे जब हम अपनी करप्शन को रोकेंगे। आप करप्शन की इंतहा तो देखें कितने ट्रिलियंस पे पहुंच चुकी है, 18 ट्रिलियन की करप्शन पिछले 5 सालों में। आप ये अंदाजा लगाइए कि जहां पे इस लेवल की करप्शन हो कि हमारे पुलिस जो है वो सारी पोलिटिसाइज भर्तियां हुई हुई हो, शहर में असले की खुलम खुला नुमाइश हो रही हो, जहां पे हर किस्म का संगीन क्राइम हो, तो मैं समझती हूँ उसमें वफाक को बड़े सीरियस इस चीज को लेना पड़ेगा। विफाक किस तरह से लेगा, यहाँ पर जिस तरह से बात हो रही है कि यहाँ पर, तो मैंने आपको यही कहा ना जी, इसमें यह है कि आपकी तमाम जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं उनके उनकी उनकी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बड़ी फास्ट। तो मामला नाज बलोच साहब, यहाँ कराची के मामला तो ये है कि यहाँ पे मकामी तौर पर जो दहशत गर्दी हो रही है, आप एक्सटर्नल जो है उसको छोड़ दें और यहाँ पर बम ब्लास्ट हो रही है, घरों में बॉम्ब बन रहे हैं और इंटरनल आप देखें ना कि यहाँ तो कराची की सूरत तो डिफरेंट है ना, केपीसी और बलोचिस्तान से मुख्तलिफ है। बलोचिस्तान में आप चले विफाक की हुकूमत भी कुछ मजबूरी दिखाई देगी ना, यहाँ पर सूबाई हुकूमत को यह मामला हल करना चाहिए, मजबूरी है। अगर देखिए, मैं समझती हूँ, अगर लोकल ग्रुप भी आपस में लड़ रहे हैं इस तरीके से, जिस तरह भत्ता माफिया और उस चीज की हम बात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट क्या करे वहाँ पर, ये इसके पीछे किसका हाथ है? जो सियासी जमातें जो दो सियासी जमातें यहाँ पे हमेशा से मैंडेट होल्डर्स रही है सिंध का, उनकी बहुत बड़ी, देखिए पिछले 8 साल मुशर्रफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह रहे हैं, एमकेएम की बात कर रहे हैं और ये जमातें रही यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे गवर्नेंस की, 11 साल से गवर्नर एक जमात के बैठे हुए हैं, सीटेडली एक जमात के आ रहे हैं, उसके सवाल तो ये है, प्रवेश मलिक साहब की जाने चाहता हूं, मलिक साहब जो है जी आपकी जाने बात हूं, जिस तरह की सूरत हाल है जी मलिक साहब, मैं दो बातें करना चाह रहा था, एक तो देखें ये इसमें सिर्फ तालिबान और ये लोग नहीं है, इससे बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसी जंग को सेक्रेटेरियन भी बीच में कूद पड़ते हैं,
आपके जो एनिमी होस्टाइल फोर्सेज हैं वो भी कल जाती हैं, और फिर कुछ ऐसी पॉलिटिकल ग्रुप्स मौजूद हैं जो इस मौका का फायदा उठाते हुए इस मुल्क को नुकसान देना चाहते हैं। अब एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट रही है जो पिछली हुकूमत नहीं कर सकी, एक मैं समझता हूं जो प्रोसिक्यूशन की बात है कि जी ये लोग जो इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं इनको सजाएं हुई हैं, कई सैकड़े लोगों को सजाएं हुई हैं, मगर उनकी एक्सिक्यूशन स्टे हुई थी प्रेसिडेंसी से फॉर नो रीजन, समझ नहीं आती किस वजह से थी, कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कैपिटल पनिशमेंट्स भी दी थी, दीगर पनिशमेंट भी थी, मगर वो पटिशन की सूरत में उनको स्टे किया हुआ था फॉर ईयर्स, जिस वजह से वो जो डर खौफ एक होता है सजा का वो भी मौजूद नहीं था। हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी प्रॉपर नहीं थी, पंजाब में 4 अरब रुपए की फोरेंसिक लैब लेबोरेटरी आउट ऑफ द कहते हैं वर्ल्ड टॉप क्लास एक लेबोरेटरी बनाई गई जिससे क्राइम डिटेक्शन क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इंतहाई मदद थी, और किसी और सूबे ने नहीं की। वो तो वक्त गुजर गया ना, हम इसी लेबोरेटरी के में हमने ऑनलाइन FIR सिस्टम स्टार्ट किया है, तो हम अपनी बिल्कुल FIR से कुछ नहीं होता है प्रोविंशियल लेवल। देखिए अगर FIR ही गलत लॉज हो, कंप्लेन ही गलत दर्ज की हुई हो, तो फिर इंसाफ कहां से मिलेगा? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रवेश मलिक साहब उठाया है, चाहिए वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। कर रहा हूं कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में बिल्कुल ये हकीकत है। प्रवेश मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाजरे आपका बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब ने हमें नाजरीन ज्वाइन किया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। रिजवान अजान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।